गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास सेवन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज टू पॉइंटर सेकिन आई विल डू ओनली टू पार्ट्स क्लियर मैं इन सभी क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से करूंगा आप ऐसे मैथड से भी कर सकते हैं जो कि हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है तो फर्स्ट क्वेश्चन है थ्री नो कट कॉमन फैक्टर बाय कॉमन फैक्टर दैन वी आर लेक्ट विद थ्री और डिनोमीटर में टू को थ्री से मल्टीप्लाई थ्री बार मल्टीप्लाई किया तो वी गेट एट थ्री पॉइंट एट इज द लोएस्ट टर्म वन ट्वेंटी पॉइंट वन सिक्सटी एट देट इज योर सेकेंड क्वेश्चन नो मेक प्राइम फैक्टर देट आर टू 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 थ्री फाइव एंडस्टी एट देट आर टू 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 थ्री एंड सेवन नो कट कॉमन फैक्टर दैन वी आर लेक्ट विद फाइव पॉइंट सेवन इज योअर लोएस्ट टर्म नाउ कन्वर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉर्मिंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन अब मिक्स में चेंज करना है ठीक है इमोपर को तो इसके लिए फॉर्मूला मिक्स फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगा क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डी नोमिनेटर तो इस मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए तो क्वेश्चन और रिमाइंडर कैसे आएगा जब हम सिक्सटीन को थ्री से करेंगे तो वेन वी डिवाइड सिक्सटीन बाई थ्री वी गैट क्वेश्चन फाइव रिमाइंडर वन सो वी गेट क्वेश्चन फाइव रिमाइंडर वन अपॉन थ्री तो फाइव होल्ड वन बाई थ्री योर आंसर नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज टू फोर्टी थ्री डिवाइड बाई थर्टीन क्लियर जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन एटीन आता है तो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर आल्सो टू द फर्स्ट पार्ट इज फाइव ट्वेंटी अपॉइंट ट्वेंटी सेवन फोर पॉइंट नाइन सेवन पॉइंट ट्वेंटी फोर एंड फाइव अपॉइंट ट्वेल्व तो फर्स्टली मेक दैम लाइक like फ्रैक्शन तो ये अनलाइक है तो लाइक like कैसे करते हैं इनका डी नोमीटर तो इक्वल करना तो वो कैसे आएगा यस हमने इनका एलसीएम लेना है तो एलसीएम तो लिया तो तो जब मैंने तो वी गेट टू हंड्रेड सिक्सटीन तो फाइव पॉइंट ट्वेंटी सेवन आप देखो ट्वेंटी सेवन को उस टाइम से मल्टीप्लाई करना है इसको मल्टीप्लाई करें तो वी गेट टू हंड्रेड सिक्सटीन अल्सियम ट्वेंटी वन चाहिए तो हमने जब ट्वेंटी सेवन को चेक किया तो हमें वो नंबर मिला एट तो एट से मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर डीनोमिनेटर में और उसी से हमने न्यूमनेटर में करना देन वी गेट फोर्टी अपॉन टू हंड्रेड सिक्सटीन सिमिलरली फोर बाय नाइन को किया तो किससे किया ट्वेंटी फोर से किया तो आता है टू हंड्रेड सिक्सटीन एंड जिस नंबर से नीचे करना उसी से आपने न्यूमिनेटर को करना है देन वी गेट नाइनटी सिक्स बाई टू हंड्रेड सिक्सटीन सिमिलरली सेवन बाई ट्वेंटी फोर को नाइन से किया ठीक है देन वी गेट सिक्सटी थ्री पॉइंट टू हंड्रेड सिक्सटीन लास्ट फाइव बाई ट्वेल्व को 18 से किया ठीक है देन वी गट नाइनटीन पॉइंट टू हंड्रेड सिक्सटीन क्लियर तो अब देखो सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है ठीक तो ये सभी हम लाइक अब देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि फाइव पॉइंट ट्वेंटी सेवन को 8 से क्यों किया देखो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है फाइव पॉइंट ट्वेंटी सेवन अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि एट से एट से करना है आपने फाइव पॉइंट ट्वेंटी सेवन को इसके एल्शियम से मल्टीप्लाई करना होता है जब हम एल्शियम से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जो लास्ट में नंबर बचता है जैसे लास्ट में क्या बच गया एट तो क्या आया एट तो एट को ही करना आपने डिनोमिनेटर से तो एट को ही करना है किससे न्यूमिनेटर में ठीक है तो ऐसे सभी को करना है आपने ठीक है तो वहां से आपको वैल्यू मिलेगी जो नंबर चाहिए आपको ठीक है तो ये सभी देखो अभी ये सभी लाइक फ्रैक्शन है अब लाइक like फ्रैक्शन को हमने कंपेयर करना है कंपेयर दे न्यूमिनेटर अब देखो यहाँ पर न्यूमिनेटर कंपेयर किए मैंने क्लियरली नाइन्टी सिक्स किससे ग्रेटर है नाइन्टी से. से और नाइन्टी है से और सिक्सटी थ्री है फोर्टी से क्लियर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नाइनटी सिक्स अपॉन टिक्स टू हंड्रेड सिक्सटी ग्रेटर टू हंड्रेडर टू हंड्रेड सिक्सटीन एंड ग्रेटर फोर्टी अपॉन टू हंड्रेड सिक्सटी क्लियर आप देखो नाइन्टी सिक्स टू हंड्रेड सिक्सटी ये किसकी वैल्यू आई थी सोल्व करके ये आई थी फोर बाय नाइन की तो फोर बाय नाइन इज ग्रेटर दैन फाइव बाई टी थ्री अपॉन्ट टू हंड्रेडी किसकी ट्वेंटी फोर की है और ये किससे बड़ी है फाइव अपॉइंट ट्वेंटी सेवन इज रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर दे आर आल्सो टू पार्ट आई विल डू ओनली वन पार्ट इसको देखो यहाँ पर ये सभी बीके हैं अन लाइक है तो इसको भी लाइक like करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा एल्सियम लेना है तो एल्शियम लेकर क्या है हमारे पास ट्वेल्व सेम वे फर्स्ट नंबर थ्री बाई फोर अब देखो फोर को किससे मल्टीप्लाई करेंगी टाई तो ये तो सिंपल है फोर को थ्री से करेंगे डिनोमिनेटर में तो उसी नंबर से ऊपर करना पड़ेगा तो वी गट नाइन बाई ट्वेल्व आगे नेक्स्ट बाई नेक्स्ट है सेन वाई ट्वेल्व ट्वेल्व को किससे करें ट्वेल्व आई तो वन से किया ऊपर भी क्लियर नेक्स्ट है फाइव बाई सिक्स तो सिक्स को किससे करना पड़ेगा टू सेम नंबर को ऊपर किया तो वी गेट टेन बाई टो इलेवन बाई वन से करना पड़ेगा इलेवन बाई देयर ये सभी लाइक है अभी कंपेयर देयर न्यूमिनेटर्स न्यूमिनेटर्स क्या है देखो सेवन किससे छोटा है नाइन से नाइन किससे टेन से टेन किससे है इलेवन से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेवन पॉइंट ट्वेल्व लेस देन नाइन पॉइंट ट्वेल्व लेस दे ट्वेल्व लेस देन इलेवन पॉइंट ट्वेल्व देखो सेवन पॉइंट ट्वेल्व इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू थी सेवन बाई ट्वेल्व की थी एज इट इज तो नाइन बाय ट्वेल्व किसको सोल्व करके आया था थ्री पॉइंट फोर को तो यह आएगा सेवन बाई ट्वेल्व लेस देन थ्री पॉइंट फोर और टेन बाय ट्वेल्व किसको आया सोल्व करके फाइव बाई सिक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है इसकी वैल्यू चेंज करके लिख करेंगे फाइव बाय सिक्स और इलेवन बाय ट्वेल्व को सोल्व किया तो इलेवन बाई ट्वेल्व ही था इसका ओरिजिन तो इलेवन बाई ट्वेल्व दिस इज योर रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब इन प्रॉपर में चेंज करना है ठीक है ये आपको मिक्स दिया अब इसको इम्प्रॉपर में करना है ये काफी इजी है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है इसके लिए वी नो नो दैट होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर देन प्लस नोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्लियर क्लियर आप देखो यहां पर फर्स्टली फाइंड होल होल पार्ट क्या है टू और फ्रैक्शन पार्ट क्या है थ्री ओ पॉइंट फोर क्लियर आप देखो होल नंबर टू है और डिनोमिनेटर क्या है इसका फोर है और न्यूमिनेटर क्या है थ्री अब इस फॉर्मूले में पुट करते हो होल नंबर टू देन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर दैट इज फोर

क्वेश्चन नंबर सिक्स लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट हमने बताना है इसमें से जो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं ठीक है तो वन पार्ट इज डन फॉर यू मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ रेस्ट ऑफ टू पार्ट यू विल डू योर सेल्फ क्लियर तो हम इस मेथड को इस क्वेश्चन को करेंगे क्रॉस एंड प्रोडक्ट मेथड से जो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है ठीक है ए वाई बी अगर सी वाई डी है तो फर्स्ट के न्यूमिनेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से और सेकंड के न्यूमिनेटर को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू बी बी सी ही आएगा ठीक है तो नाइन को फाइव से किया तो फोर्टी फाइव फिफ्टीन को थ्री से किया तो वी गेट आल्सो फोर्टी फाइव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट मीन दे आर इक्विवेलेंट क्लियर सो स्टूडेंट्स नोट दिस टॉपिक वेरी केयरफुली एंड रिवाइज थैंक यू